दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये ये और ये किस प्रिंटिंग प्रोसेस से प्रिंट होते हैं? दोस्तों ये सब एक ही प्रिंटिंग प्रोसेस में प्रिंट होते हैं जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर सबसे पहले पाएं नोटिफिकेशन हर वीडियो का। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस की, जिसे हम इंटेग्रियो प्रिंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं और इसे रोटोग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। दोस्तों 15वीं सदी से ही ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस चलन में शुरू हुआ। दोस्तों इस सालों साल इसमें बड़े बड़े बदलाव आते गए और ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस बहुत सारी ऊंचाइयों को छूता गया। आज मॉडर्न फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस का हिस्सा बहुत बड़ा है, इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए आज फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ी ऊंचाइयां छूने को मिल रही है। दोस्तों 1895 में क्लिक और फॉसेट नाम के व्यक्तियों ने कलेक्शन किया और रेमब्रेंडन इंटेग्रियो प्रिंटिंग कंपनी की स्थापना की, जिन्होंने 1906 में मल्टी कलर ग्रेव्योर प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। इस आविष्कार के बाद ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से अपनाया गया। तो दोस्तों ये था इसका इतिहास, अब हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। दोस्तों इसका प्रिंसिपल बिल्कुल रिले प्रिंटिंग प्रोसेस के प्रिंसिपल जैसा ही है, जिसमें फिजिकल डिफरेंस बिटवीन इमेज एरिया एंड नॉन इमेज एरिया होता है, लेकिन इसमें इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया बिल्कुल उल्टे होते हैं। यानी कि इमेज एरिया जो हमारा होता है वो डिप्रेस होता है और जो नॉन इमेज एरिया होता है वो एक हाइट पर होता है। इसमें जो इंक अप्लाई होती है वो हमारे सेल्स में यानी कि इमेज एरिया में फिल होती है, साथ ही साथ नॉन इमेज एरिया पर भी अप्लाई होती है, लेकिन एक डॉक्टर ब्लेड असेंबली के द्वारा जो नॉन इमेज एरिया की एक्सेसिव इंक है, यानी कि जो इंक नॉन इमेज एरिया पर आ गई है, उसको वो रिमूव कर देती है हमारे इमेज कैरियर से। इसकी वजह से जो इंक बचती है वो सिर्फ हमारे इमेज एरिया पर बचती है और वही हमारे इंप्रेशन सिलेंडर के प्रेशर के बाद हमारे सबस्ट्रेट पर अप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों ये था इसका प्रिंसिपल, अब हम आते हैं इसके प्रिंटिंग प्रोसेस पे। दोस्तों ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस के मेनली 5 कंपोनेंट हैं, जो कि हैं एंग्रेव सिलेंडर, इंप्रेशन सिलेंडर, तीसरा इंक फाउंटेन, चौथा डॉक्टर ब्लेड असेंबली और पांचवा है हमारा ड्रायर। तो दोस्तों ये 5 कंपोनेंट ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस के मेन कंपोनेंट्स हैं। एक एक करके जानते हैं कि इनकी इनका काम क्या है ग्रेव्योर प्रिंटिंग प्रोसेस में। तो दोस्तों एंग्रेव्ड सिलेंडर की बात करें तो एंग्रेव्ड सिलेंडर हमारा इमेज कैरियर होता है, जिस पर एंग्रेव्ड सेल्स होते हैं जो कि इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया को डिसाइड करते हैं। इस इमेज कैरियर को एक होलो स्टील पर निकल की प्लेटिंग करने के बाद कॉपर की प्लेटिंग की जाती है, जिसके ऊपर यानी कि कॉपर की प्लेटिंग के ऊपर एंग्रेविंग की मदद से हमारी इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया डिसाइड होता है। स्टील के होलो सिलेंडर पे जो निकल की कोटिंग की जाती है यानी कि निकल की जो प्लेटिंग की जाती है वो सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि जो हमारा कॉपर है वो निकल के ऊपर डिपॉजिट हो सके और जो कॉपर की लेयर है वो हमारे सिलेंडर पे बन सके, क्योंकि कॉपर बहुत ज्यादा इंक रिसेप्टिव होता है, इसलिए कॉपर की इस पर कोटिंग की जाती है। ये सब होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की मदद से। इसके बाद एक फाइनल जो लेयर इस पर बनाई जाती है वो होती है क्रोमियम लेयर। क्रोमियम लेयर क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि इस इमेज कैरियर के साथ में डॉक्टर ब्लेड लगातार एक कॉन्टेक्ट में रहती है ताकि एक्सेसिव इंक निकाल सके, इसी वजह से डॉक्टर ब्लेड और जो हमारा इमेज कैरियर है दोनों में एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी अगर क्रोमियम लेयर है वो डैमेज नहीं होती है, लेकिन अगर इसे क्रोमियम लेयर को हटा दिया जाए और सिर्फ कॉपर पे किया जाए तो कॉपर इससे कट सकता है, यानी कि हमारी इमेज जो है वो खराब हो सकती है, इसीलिए क्रोमियम की लेयर उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ताकि जो हमारे सिलेंडर की सरफेस है वो डॉक्टर ब्लेड की वजह से डैमेज ना हो। तो दोस्तों ये हमारा इमेज कैरियर जो है वो 3 तरीके से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले लेजर एनग्रेविंग जो कि आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दूसरा इसमें होता है केमिकल एचिंग जो कि काफी पहले तक चलाया जाता था, आज भी काफी कुछ चलाया जाता है लेकिन इसे अब बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तीसरा हमारा होता है डायमंड स्टाइलस जो आज भी बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेजर एनग्रेविंग एक नॉन कॉन्टेक्ट फॉर्म एनग्रेविंग है जिसमें लेजर बीम के द्वारा सिलेंडर पर इमेज बनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों जब अगर हम बात करें केमिकल एचिंग की, तो केमिकल एचिंग में इस पर एक केमिकल की मदद से एचिंग की जाती है, इमेज एरिया में से जो हमारा कॉपर है वो हटाकर इसमें सेल्स बनाए जाते हैं। लेकिन केमिकल एचिंग अगर हम कर रहे हैं तो इसमें नॉन इमेज एरिया भी इमेज एरिया के साथ ही है। ये नॉन इमेज एरिया को बचाने के लिए इस पर एक नेगेटिव फिल्म जिसको हम रजिस्ट कहते हैं वो अप्लाई की जाती है ताकि जो हमारा नॉन इमेज एरिया है उस पर केमिकल का कोई असर ना हो और सिर्फ हमारा इमेज एरिया जो है वो ही एचिंग हो सके।
तीसरा दोस्तों डायमंड एनग्रेविंग होती है, जिसमें डायमंड स्टाइलस की मदद से हमारे इमेज एरिया की कटिंग होती है, यानी कि सेल्स जो है हमारे डायमंड स्टाइलस क्रिएट करते हैं जिससे हमारी इमेज एरिया और नॉन इमेज एरिया डिसाइड होती है। तो दोस्तों ये था हमारा इमेज करियर ग्रेवियो प्रिंटिंग प्रोसेस का, कैसे बनता है और इसका क्या काम। तो दोस्तों अब दूसरा है हमारा इंप्रेशन सिलेंडर। इंप्रेशन सिलेंडर का जो मेन काम है वो है कि सबस्ट्रेट जब इंप्रेशन सिलेंडर और इमेज करियर के बीच में से जब निकलता है तो उस पर प्रिंटिंग कैसे हो, इसी के लिए इंप्रेशन सिलेंडर एक प्रेशर अप्लाई करता है इमेज करियर और सबस्ट्रेट पर, जिससे कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो पूरी तरीके से कॉन्टेक्ट में आ सके हमारे इमेज करियर के। जब ये कॉन्टेक्ट में आ जाता है और इंप्रेशन सिलेंडर का हाई प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो इमेज सेल जो सेल्स हमारे होते हैं, जो इमेज एरिया के सेल्स होते हैं, उनमें जो इंक हमारी भरी हुई होती है वो हमारी डायरेक्टली अप्लाई होती है हमारे सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट पर अप्लाई पूरी हो इसके लिए इंप्रेशन सिलेंडर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। इंप्रेशन सिलेंडर पर रबर ब्लैंकेट अप्लाई किया जाता है, क्योंकि जो हमारा इमेज कैरियर होता है वो एक मेटल का होता है, इसीलिए जो हमारा इंप्रेशन सिलेंडर उस पर एक ब्लैंकेट अप्लाई किया जाता है ताकि जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके सबस्ट्रेट पर। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा है हमारा इसमें इंक फाउंटेन। इंक फाउंटेन जिसमें हमारी इंक फिल की जाती है, साथ ही साथ उस इंक में हमारा इमेज कैरियर भी डिप किया जाता है ताकि जो हमारी इंक है वो इमेज सेल्स में अच्छे से फिल हो सके। इसके बाद दोस्तों इंक फाउंटेन में दो तरीके की इंक यूज की जाती है, एक होती है हमारी वाटर बेस इंक, दूसरी होती है सॉल्वेंट बेस इंक। वाटर बेस इंक जल्दी सूखती नहीं है, इसके लिए ड्राई करने के लिए बहुत ज्यादा समय लेती है, इसीलिए आजकल ज्यादातर सॉल्वेंट बेस इंक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी ड्राइंग कैपेसिटी बहुत फास्ट है। तो दोस्तों चौथा हमारा डॉक्टर ब्लेड। डॉक्टर ब्लेड की मदद से हम नॉन इमेज एरिया पर लगी हुई एक्सेसिव इंक जो होती है उसे वापस इंक फाउंटेन में भेज देते हैं, यानी कि जो नॉन इमेज एरिया पर इंक इमेज एरिया के साथ लग जाती है वो इंक डॉक्टर ब्लेड के द्वारा रिमूव की जाती है ताकि वो जो इंक है वो सबस्ट्रेट पर पास ना हो, सिर्फ इमेज सेल्स से ही जो हमारी इंक है वो ट्रांसफर हो हमारे हमारे सबस्ट्रेट पर। अब दोस्तों पांचवा हमारा है ड्रायर। दोस्तों ड्रायर की बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रिंटिंग में। जब एक कलर से हमारा सबस्ट्रेट निकलता है तब उस कलर को सूखने के लिए बहुत कम समय यूनिट को मिलता है, जिसके लिए ड्रायर का टेम्परेचर सेट किया जाता है ताकि अगली यूनिट तक हमारा सबस्ट्रेट जब पहुंचे तो उसकी इंक जो है वो ड्राई हो चुकी हो और दूसरे यूनिट में दूसरा कलर अप्लाई हो सके, और जब दूसरे यूनिट से जब कलर अप्लाई होकर आगे जाता है तो तीसरे यूनिट से पहुंचने से पहले दोनों कलर ड्राई हो जाने चाहिए। ऐसे ही मल्टी कलर ग्रेवियो प्रिंटिंग प्रोसेस में हर यूनिट पर एक ड्रायर होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे ग्रेवियो प्रिंटिंग प्रोसेस के मेनली पांच कंपोनेंट। अब दोस्तों ये एक साथ वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि हमारा इमेज कैरियर जो है वो इंक फाउंटेन में डूबा हुआ है, इंक फाउंटेन में हमारी इंक फिल की हुई है, साथ ही इमेज कैरियर के साथ एक डॉक्टर ब्लेड असेंबली भी अप्लाई की गई है। उसके बाद ऊपर एक इंप्रेशन सिलेंडर है जिसके नीचे सबसेट है, यानी सबसेट जो है इंप्रेशन सिलेंडर और हमारे इमेज कैरियर के बीचों बीच। इंप्रेशन सिलेंडर से जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो सबसेट और इमेज कैरियर पर लगाया जा रहा है ताकि इनके बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिल्कुल परफेक्ट बन सके। इमेज कैरियर इंक फिल कर रहा है हमारे इंक फाउंटेन से और डॉक्टर ब्लेड हमारे नॉन इमेज एरिया से इंक को रिमूव कर रहा है। इसके बाद जो इंक सेल्स यानी इमेज सेल्स में भरी हुई है वो हमारे फोर्स ऑफ एडिशन या प्रेशर जो हमारा इमेज इंप्रेशन सिलेंडर लगा रहा है उसकी वजह से जो इंक है वो ट्रांसफर हो रही है हमारी सबस्ट्रेट पर और सबस्ट्रेट आगे दूसरी यूनिट की तरफ ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने से पहले ये एक ड्रायर से निकलता है जिसका टेम्परेचर अगर पब्लिकेशन के लिए है तो लगभग 36 टू 40 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, और अगर ये फूड पैकेजिंग यानी कि प्लास्टिक पॉलिस्टर इनके लिए अगर यूज किया जा रहा है तो लगभग 90 to 110 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा था ग्रेवियो प्रिंटिंग प्रोसेस। ये फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड इसके क्वालिटी की वजह से है, इसके लॉन्ग रन की वजह से है। दोस्तों ग्रेवियो प्रिंटिंग प्रोसेस की तीन बहुत ही मेन खास बातें, इसका इमेज कैरियर जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रिंट करने के बाद भी इसकी इमेज डिग्रेड नहीं होती, यानी कि खराब नहीं होती, डैमेज नहीं होती, रिपीटेड जॉब्स को बहुत ज्यादा ही प्रिंट करता है। दूसरा इसके बाद इसकी क्वालिटी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है, बाकी प्रिंटिंग प्रोसेस से बहुत ज्यादा हाई है। तीसरा इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, यानी कि अगर इस पर बहुत बड़ा जॉब प्रिंट हो रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत ही कम आती है बाकी किसी भी प्रिंटिंग प्रोसेस से।
दोस्तों ये तीन मुख्य कारण है कि ग्रेव्यो प्रिंटिंग प्रोसेस फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित हो रहा है। दो तीन डिसएडवांटेजेस भी हैं ग्रेव्यो प्रिंटिंग प्रोसेस की, कि एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसका एक ही सिलेंडर बहुत ज्यादा कॉस्टली बनता है, तो हर प्रिंटिंग यूनिट के लिए एक एक सिलेंडर को बनाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा, शॉर्ट रन जॉब्स को ये प्रिंट करने के लिए नहीं, क्योंकि उसकी फिर पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकती है। इसका इमेज के लिए जो प्रिपेयर होता है वो काफी समय लेता है, यानी जॉब के अप्रूवल से पहले बहुत ज्यादा समय लगता है इमेज करियर को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हर यूनिट के लिए एक सिलेंडर बनाना होता है और मिनिमम बेसिकली 4 से 5-6 सिलेंडर मिनिमम जॉब में बनते हैं, तो हर सिलेंडर को प्रिपेयर करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। इसकी वजह से ग्रेव्यो प्रिंटिंग प्रोसेस को सिर्फ फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रिंटिंग होती है जिनकी, वही प्रिंट कराते हैं, या फिर पब्लिकेशन जिनकी जैसे हाई क्वालिटी मैगजीन्स हैं, हाई क्वालिटी न्यूज़पेपर्स हैं, उनको प्रिंट किया जाता है, जो कि लाखों की क्वांटिटी में या करोड़ों की क्वांटिटी में प्रिंट होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रेव्यो प्रिंटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों अगले सोमवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।